अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं CS601 की फाइनल टर्म की हम प्रिपरेशन करेंगे। हम यहाँ पर MCQs देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव पार्ट सब्जेक्टिव की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। फाइनल टर्म की हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप उसको जाके चैनल को ओपन करके वहाँ पर से देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पर से हर सब्जेक्ट की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपने MCQs को स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडल बता दूं कि आपके हाफ MCQs आएंगे, हाफ आपका सब्जेक्टिव पार्ट आएगा। यानी कि अगर आप 40 MCQs भी पास कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आपने MCQs पे ज़्यादा जोर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट MCQs को। हमारे पास फर्स्ट है इथरनेट एड्रेस इज ऑफ डैश बाइट्स। इथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है? जो इथरनेट एड्रेस होता है ना वो आपका 6 बाइट्स का होता है। आपने याद रखना है कि आपका इथरनेट का जो एड्रेस है वो 6 बाइट पे कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इन प्योर अलोहा द वल्नरेबल टाइम इज डैश द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। अगर आपके पास एक प्योर अलोहा हो तो उसका वल्नरेबल टाइम जो होगा वो 2 टाइम्स होगा फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के। इसकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा। आपने बस ये याद रखना है कि प्योर अलोहा में वल्नरेबल टाइम जो है वो 2 टाइम्स होता है फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के। नेक्स्ट हमारे पास डेट वाज यूज्ड एज अ मीडियम इन 10BST। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ना वो यूज़ होती है मीडियम के तौर पर 10BST में, ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी द हेडर फ्रॉम ए लेयर 4 इज रीड बाय बी लेयर। तो ये फिजिकल होती है, डिवाइस आ गया तो इसको फिजिकल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इन डैश इन कोडिंग वी यूज़ 3 लेवल्स, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। तो बाईपोलर कोडिंग स्कीम में हम 3 लेवल्स को यूज़ करते हैं जो होते हैं पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। नेक्स्ट होता है हमारे पास अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट 1 साइकिल इन 0.001 सेकंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1000 हर्ट्ज़ होगी। आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर्स में से देख सकते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 लेख से, आई थिंक आपने मल्टीप्लाई किया इसको, तो इसका आंसर आएगा 101 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हमारे पास देयर आर डैश बेसिक मोड्स फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में लाइट की प्रोपोगेशन के लिए 2 बेसिक मोड्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 बेसिक मोड्स। नेक्स्ट हमारे पास आप पैराबोलिश डिश एंटीना इज़ एन अनडायरेक्शनल एंटीना। जो हमारा जो डिश एंटीना होता है ना पैराबोलिक, वो अनडायरेक्शनल होता है, उसकी कोई भी डायरेक्शनल नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास 0 क्रॉस बैंडविड्थ इज़ आल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट नॉइज़ बैंडविड्थ। तो ये फॉल्स है, 0 क्रॉस बैंडविड्थ जो है इसको हम इक्विवेलेंट नॉइज़ बैंडविड्थ नहीं कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन डिवाइस प्रोड्यूस अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल विच एक्ट्स एज अ बेसिक ऑफ द ट्रांसमिशन द बेसिक सिग्नल इज कॉल्ड। तो बेसिक सिग्नल को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। ये थोड़ा कंफर्म नहीं है मुझे, तो आपने इसको थोड़ा सर्च कर लेना है, लेकिन आई थिंक इसका डिजिटल सिग्नल ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास देर आर डैश टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की इतनी टाइप्स होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हैव सिंक्रोनस ट्रांसमिशन नन ऑफ द गिवन। यहाँ पे इसका कोई आंसर नहीं आएगा। यूजिंग डैश इनकोडिंग स्कीम इन डिजिटल ट्रांसमिशन वी रिपीट 0x0 वोल्टेज लेवल एंड रिप्रेजेंट 1x एनी पॉजिटिव वोल्टेज लेवल। तो जब हम यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम 0 को 0 वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को किसी भी पॉजिटिव वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ बीट्स सेंट पर लेवल। सेंट पर लेवल का जो फार्मूला है वो हमारे पास है log to L, सेंट पर लेवल का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ITU-T मोडेम स्टैंडर्ड्स। तो टी सीरीज जो है वो ITU-T की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास द मैक्सिमम डाटा रेट इन द अपलोडिंग डायरेक्शन इज स्टिल। अपलोडिंग डायरेक्शन के लिए जो हमारा सबसे ज़्यादा डाटा रेट है, अपलोडिंग के लिए डाटा स्पीड है, वो है 33.6 KB/s। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन डैश ईच स्टेशन इज़ फोर्स टू एंड अ फ्रेम ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। तो स्लोटेड अलोहा जो है ना, यहाँ पर हर स्टेशन को फोर्स किया जाता है कि वो एक टाइम पे सिर्फ जो फ्रेम जो है ना वो सेंड करे टाइम स्लॉट की शुरुआत में ही। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डैश ई स्टेशन सेंड अ फ्रेम वेन एवर इट हैज़ फ्रेम टू सेंड। तो प्योर अलोहा में होता है, ये स्लोटेड अलोहा में होता है और ये प्योर अलोहा में होता है। नेक्स्ट हमारे पास द डाटा रेट ऑफ द T1 लाइन इज़, T1 लाइन का डाटा रेट है 1.55 MB/s।
नेक्स्ट हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क्स हैव डैश इफिशेंसी बट डैश डिले कंपेयर टू द पैकेट स्विच नेटवर्क्स। तो लो इफिशेंसी होती है जबकि मिनिमल डिले कंपेयर होता है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट पार्ट आपके उसका जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।